आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज प्योर सिलिकॉन जो है वो एक इंसुलेटर है, राइट। सिलिकॉन जो डॉप होता है विद फॉस्फोरस के साथ वो एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो डॉप होता है गैलियम के साथ वो ऑल्सो एक सेमीकंडक्टर है, राइट। सो आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डॉप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स जो है वो आपको बताना है क्या होगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे पास आपका क्या है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक फॉस्फोरस है और आपके पास क्या है, एक गैलियम है, राइट। सिलिकॉन जो हमने डॉप किया फॉस्फोरस में, सिलिकॉन मैंने डॉप किया गैलियम में, राइट। सो टू टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। होता क्या है कि फॉस्फोरस क्या है, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, फाइन। फॉस्फोरस एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। सो इस केस में जो मेरे पास आपका क्या है सेमीकंडक्टर बनेगा वो आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, फाइन। गैलियम जो होता है ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और इस केस में जो हमारे पास बनता है वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो होता ये है कि फॉस्फोरस एक पेंटावेलेंट है और आपको होता है कि सिलिकॉन जो है वो टेट्रावेलेंट है। तो मतलब फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो मतलब आपके पास पूरे लैटिस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वजह से आपका यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होगी। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो है वो क्यू है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब गैलियम के केस में क्या होता है कि देखो गैलियम क्या है ट्राइवेलेंट और सिलिकॉन है टेट्रावेलेंट, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, फाइन। और सिलिकॉन क्या है आपके चार कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा, मतलब आपके पास क्या होने वाला है कि आपके पास यहाँ पर क्या होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इजंट इट। सो होल्स क्रिएट होंगे, सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो होगी, बट किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल, क्योंकि होल जो है वो आपके मूव कर सकते हैं क्रिस्टल्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तभी अराइज करती है या तो आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो जैसे कि एन टाइप के केस में, या आपके पास क्या हो होल हो, राइट। सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द होल्स आपके पास क्या कंडक्टेंस जो है वो अराइज करेगी, फाइन। सो ऐसे सेमी कंडक्टर्स को पी टाइप कहते हैं। सो ये डिफरेंस है इन दोनों में, फाइन। और प्लस आपको यहाँ पर समझना होगा, देखो प्योर सिलिकॉन इसलिए इंसुलेटर है क्योंकि इसमें कोई भी डोपिंग नहीं हो रही, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं कर रहे, राइट। सो कोई आपके पास क्या है फ्री कैरियर नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अराइज करे, राइट। सो हमें डिफरेंस बताना था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।